गाइस देखो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी ठीक सामने ये मेरा दिखाता हूँ मैं आप सभी को भी। गाइस ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पीछे पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत। गाइस फाइनली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ चल रहे हैं, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। पहाड़ चढ़ना है यार दोस्तों, 4 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है और भाई धूप बहुत कड़क है। पहाड़ ये है, पहाड़ देख लो गाइस, अपने को वहां तक चढ़ना है और अभी तो भाई स्टार्टिंग ही करिए। चलो भाई हार मत मानो, आप सबको दिखाना है ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। अच्छा गाइस कमेंट करके जरूर बताओ इस वीडियो में आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा, इसका सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसको पिन करूंगा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस आज अपना कुछ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग टाइम मान लो चाहे नाइट मान लो। तो आज बैठा बैठा ऐसी प्रोग्राम बन गया, दोस्त ने बोल दिया कि भाई त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। मैंने सोचा यार त्र्यंबकेश्वर चलते हैं ये मत बोल, चल यार कल सैटरडे संडे अपना वीकेंड है, चलिए फिर जर्नी को शुरू करते हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। जय बोलेगी गाइस, रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी बस वाले ने अपने को साइड में रोका हुआ है, यहाँ थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए अपने को यहाँ रोका हुआ है और कुछ खाने पीने के लिए यहाँ होटल पे। गाइस फाइनली 6.5 घंटे का सफ़र करने के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आ गया हूँ। हाँ तो गाइस नहा धोके मैं फ्रेश हो गया हूँ और फिलहाल चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो गाइस कुछ ऐसा रहा अपना आज का ट्रैवल, रात में 11 बजे निकला था और 11 बजे निकलने के बाद यहाँ सुबह 5:30 बजे पहुँचा हूँ। 5:30 बजे पहुँचने के बाद फिर होटल वगैरह देखा, होटल यहाँ फुल बुकिंग चल रहे थे। तो भगवान का करिश्मा ऐसा है कि एक बंदा मिल गया, बंदे ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ आपको 100% वहाँ पे होटल मिल जाएगा। और होटल भी जो हम देख रहे थे उससे काफ़ी बेटर मिल गया, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एकदम, बहुत अच्छा मिल गया। गाइस देखो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर बिल्कुल ठीक सामने ही है मेरे, दिखाता हूँ मैं आप सभी को भी। बहुत मतलब खुशी सी हो रही है कि पहली बार मैं आया हूँ ना, कभी यूट्यूब पे ही देखता था मैं, लेकिन आज यूट्यूब पे देखते देखते आज भगवान ने देखो बिल्कुल अपने दर्शन करने के लिए खुद ही बुला लिया। गाइस आपको भी मैं बिल्कुल दर्शन कराता हूँ, देखो आज सामने से। गाइस ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पीछे पर्वत है, ये मार्केट है गाइस यहाँ की, और ये है मंदिर टेंपल त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और फ़ोन तो शायद से अंदर का, मंदिर के अंदर का अलाउ नहीं होगा, बट बाहर से तो फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। तो मंदिर के अंदर का तो मैं भी दिखाना नहीं चाहूँगा और बाहर से दिखाऊँगा, बाहर से इसने कैप्चर कर लेंगे और वो सब आपको दिखाऊँगा। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, देख सकते हो रुद्राक्ष वगैरह। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, हर हर महादेव। तो गाइस यहाँ से पास लेकर आप जा सकते हैं, 200 रुपये का पास है, आप पास लेकर जा सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से लाइन में लगकर यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। तो मैं तो लाइन में लगकर ही दर्शन लेना चाहूँगा, इसलिए यहीं से चलते हैं, लाइन में लगेंगे और हर हर महादेव कहते हुए दर्शन करेंगे भगवान के। और यहाँ से एंट्री होती है, जो आप लाइन में लगकर दर्शन करना चाहेंगे तो आप यहीं से एंट्री करेंगे, देख सकते हैं पीपल का पेड़ है, यहाँ से एंट्री होगी आपकी। लाइन देखते हैं अभी लाइन कितनी लंबी होगी यहाँ पे, अगर अपने को पहले से आइडिया होता तो जल्दी आकर जल्दी दर्शन हो जाते, बट अपने को आइडिया नहीं तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं इधर, ऐसी एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट टाइम अगर महादेव बुलाएंगे तो फिर जल्दी आएंगे और जल्दी दर्शन करेंगे, और आई होप शायद वो नेक्स्ट डे भी कल ही आ जाए, क्योंकि आज मैं रुका हूँ, कल भी मैंने रुकने का प्रोग्राम बना ही लिया है और कल भी दर्शन करेंगे, कल ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे जल्दी एकदम। हर हर महादेव। गाइस यहाँ से एंट्री है, चप्पल आप रख सकते हैं। गाइस लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, लाइन है इधर। लाइन लगी हुई है इधर और ये देख सकते हो आप लाइव दर्शन। फिलहाल देखते हैं अंदर जाके, वीडियो बनाना तो शायद अलाउ नहीं होगा, बट अंदर की तो वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन बाहर का टेंपल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वीडियो में। हाँ तो गाइस फाइनल अपने को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, रात 11 बजे से अभी तक की मेहनत सफल रही अपनी। हर हर महादेव। गाइस फाइनली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ तो गाइस अभी ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ चल रहे हैं, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। पहाड़ चढ़ना है यार दोस्तों, 4 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, साथ के जो दोस्त थे वो तो ढेर हो गए बीच रास्ते में, थक गए और कुछ आ रहे मेरे पीछे पीछे, कुछ तो ढेर हो गए थकान के मारे,
और मैंने ले लिया भाई गर्मी का साथ ही 2 लीटर का पानी की बॉटल। यही मुझे 4 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़वाएगा। भाई धूप बहुत कड़क है, पहाड़ ये है, पहाड़ देख लो, पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको। इस पहाड़ पे चढ़ना है जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है। 4 किलोमीटर ऊंची चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है, तो आज चल के देखते भी हैं। भगवान का चमत्कार है, लीला है भगवान की। चलो देखते हैं, अभी आप सभी को भी दिखाते हैं। इतनी कैड़ी धूप में, धूप इतनी कैड़ी कि सर पे टक टक लग रही है। ये लिखा देखो, ब्रह्मगिरी गंगा द्वार, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। भाई गर्मी बहुत है महाराष्ट्र में, नासिक में। तो चलो धीरे धीरे दिखाते हैं आपको सभी चीज़ें। यहाँ पे आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताओ इस वीडियो में आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। जिसका सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसको पिन करूँगा। ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट है। चलते हैं धीरे धीरे अपना महादेव का नाम लेते हुए। गाइस और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो देखो पेड़ पे आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, आवाज़ आ रही होगी क्यों क्यों क्यों। और वो देखो चमगादड़ ही चमगादड़ है भाई, हर तरफ पूरे पेड़ पे, पूरे पेड़ पे चमगादड़ ही चमगादड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे जामुन लटक रहे हो। दूर से तो ऐसे लग रहा था भाई जैसे जामुन के गुच्छे लटक रहे हो। जब जैसे पास आया ना और इनकी आवाज़ें सुनी उड़ते हुए देखा इन्हें पास से, भाई चमगादड़ ही चमगादड़। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस चलो, गाइस एनर्जी डाउन हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। ये एक तो चढ़ाई देखो, खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, एकदम खड़ी चढ़ाई है। आप देख सकते हो, ऐसे दिखाता हूँ आपको, देखो भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो मेरे को थकान तो है बट मैं इजीली स्टेप चल पा रहा हूँ। ये गाइस पूछते चल रहा हूँ, थैंक यू इनका, इन्होंने रास्ता बता दिया, नहीं तो मैं तो किसी और रास्ते पे जा रहा था। और भाई सूना पड़ा है क्योंकि गर्मी बहुत है ना इधर, गर्मी की वजह से कोई पब्लिक ही नहीं जा रही है, बहुत कम पब्लिक आ रही है। यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ से चढ़ाई, वहाँ 4 मंदिर है, फिर उसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम स्थल उस साइड है। पूरा 5 घंटे लगेंगे। हाँ अभी चढ़ रहे हैं, अभी चलो तो साथ ही चलते हैं फिर, उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो गाइस अभी रास्ते में चलते चलते मेरे को फैमिली वाले मिल गए थे, कुछ फैमिली वाले, तो बोलने लगे कि आप अभी चढ़ाई कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, कह रहे चलो फिर साथ ही करते हैं चढ़ाई। तो बहुत अच्छा लगा, चलो कोई साथ तो मिल गया, कि अपने कुछ दोस्त तो पीछे रह गए हैं, कुछ आए नहीं है। तो अभी धीरे धीरे कवर करते हैं। ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बोल रहे हैं कि कम से कम 1500 से 2000 सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पे? बहुत सीढ़ी बता रहे हैं, तो कम से कम 1500 तो होंगी। गाइस पूरा जंगल है इधर। गाइस ये डंडे हैं ना, 20-20 रुपये में डंडे मिलते हैं इधर। ये 10 रुपये आप इन्हें रिटर्न, जब आएंगे इन्हें आप डंडा वापस करेंगे तो आपको 10 रुपये रिटर्न दे देंगे और 10 रुपये आपका रेंट लग जाएगा। 20 रुपये का ही डंडा देते हैं। क्यों देते हैं? बंदर को भगाने के लिए, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है। लिटरली मेरी तो सांस जो है, चढ़ाई जितना चढ़ रहा है उतनी सांस फूलती जा रही है। गाइस अपने को वहाँ तक चढ़ना है और अभी तो भाई स्टार्टिंग ही करिए। चलो भाई हार मत मानो, आप सबको दिखाना है ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। उसी लिए तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है और भगवान के दर्शन के लिए तो कर ही रहा है। गाइस भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है, भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता गाइस, बट साथ में आपको जरूर दर्शन कराऊंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोले की। गाइस देख लो अभी स्टेमिना तुम्हारे भाई का, वो फैमिली थी उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, वो फैमिली भी पीछे छूट गई है बट सांस फूल रही है। कोई नहीं कोई नहीं, चलते हैं। वो आ रही है फैमिली वहाँ से, ठीक है भाई। ऐसे और 3-4 फैमिली वाले मिल जाए तो सही रहेगा, एक तो अकेले अकेले फील नहीं होगा, दूसरा बंदर वगैरह बहुत है, कोई कुछ तकलीफ हो जाए ग्रुप में चलेंगे तो सही रहता है। ये देखो ये भाई लोग आ रहे हैं। तुम कितनी देर पहले गए थे चढ़ाई करने? 2 घंटे हो गए गाइस इन्हें। तुम कहाँ के रहने वाले हो गाइस? नंदुरबार। आपको मैंने ब्लॉग में ले लिया, आप मेरे ब्लॉग में आएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वेदर ब्लॉग्स। खुश मिजाज थे, हंसते रहना चाहिए लाइफ में, आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। अपनी हंसी को देखते हुए शीशे में आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। गाइस थक बहुत रहा हूँ भाई, और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊँ, भाई यहाँ लेपर्ड भी है। तुम्हारा भाई देखो जा रहा है खतरों के खिलाड़ी बन के। भाई ये देख लो भाई, लेपर्ड भी है। तो बेटर है ग्रुप में ही चढ़ाई करो यार, मैं तो और 2-4 फैमिली वाले देख लेता हूँ कोई हो तो, भाई ग्रुप में ही करूँगा चढ़ाई। और बाबा ये देखो पहाड़, वाह। मोर तो कोई बात नहीं हर, लेकिन जो इधर तेंदुए हैं ना भाई उनका कुछ नहीं पता, कई चिंगम की तरह चबा दे एकदम ही। उतरते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ते टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही दिक्कत है भाई। चढ़ते वक्त बोलना भी,
थोड़ा थकान सी हो जाती है। चाय मिल गई है इधर, अभी तक धूप में चल रहा था मैं। ब्लॉगिंग को 5-10 मिनट के लिए रखता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा दोबारा। चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में भाई। भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और गाइस भगवान के दर्शन के लिए तो मैं आया ही हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। देखो भगवान मेरे इस ब्लॉग को वायरल करते हैं, आई होप भगवान मेरे इस ब्लॉग को वायरल करेंगे और आप लोगों का प्यार भी मेरे इस ब्लॉग को जरूर वायरल करेगा। और गाइस आप लोगों को इस वीडियो में जो पार्ट अच्छा लगा हो ना, आप उसको प्लीज़ कमेंट जरूर करना, उस वीडियो के पार्ट से रिलेटेड आप कमेंट जरूर करना। और जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में, आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री है, तो आप जरूर किया करो गाइस। आपका इतना सा सपोर्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप बस प्यार देते रहा करो गाइस। ये आगे बच्चा, ये मम्मी है इनकी, और गाइस ये इनके पापा, पापा स्लो रहेगा इनके, पापा आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, और बच्चों को देखो, बच्चे तेज तेज एकदम, पापा थक गए इनके, देख लो देख लो, ये देखो बच्चों में फुर्ती है, स्टेमिना बच्चों का बहुत बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इनके पापा की उम्र अभी तो कम ही है, लेकिन बच्चों ने अभी से बूढ़ा घोषित कर दिया, अभी से पीछा कर दिया। अब पापा दिखाएंगे इनके, देखो स्टेमिना आ गए फुल फॉर्म में। सबसे बड़ी बात जो है ना, ये भी है कि फैमिली मिल गई, चलो सही है, साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बाघ का खतरा बहुत है। बाघ का? हाँ, लेपर्ड का, पीछे पड़ा नहीं क्या, यहाँ लेपर्ड का खतरा देखा नहीं बोर्ड पे, बाघ का लेपर्ड का खतरा है इधर, तो साथ में चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो पसीने आ गए ना बाघ के नाम से, ये डर तो सभी का लगता है, बच्चे हो चाहे बड़ा हो, 4-5 जने रहेंगे तो वो चले जाएगा, भाग जाएगा, अकेले रहेंगे तो अपने को चुंगम की तरह चबा देगा। तो 4-5 जने मिलके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भागो तेंदुआ लेपर्ड कुछ भी हो सामना करेंगे आज भाई डट के। 1.5 घंटे हंसते हंसते आधा घंटे में कवर करते हैं गाइस, अब रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर धूप स्टार्ट हो गई है, देखो सर पे आगे टक्कर मार रहा सूरज यार, रेस्ट कर लूँ यार थोड़ा। देखो ब्लॉगिंग से रेस्ट, लेकिन कंटिन्यू चढ़ाई करूँगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ और हरी का नाम लेते जाओ। यहाँ से पूरी त्र्यंबकेश्वर सिटी दिख रही है, और देखो मंदिर भी दिख रहा है त्र्यंबकेश्वर, कैमरे में तो क्लियर नहीं आएगा। और अपने को वहाँ जाना है अभी, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ पे, वो वहाँ चलना है। और रास्ता कुछ ऐसा है, ये सीढ़ी है, ये पहाड़ है इधर, और ये खाई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधी चट्टान खड़ी खाई। गाइस फाइनली जो 4 किलोमीटर की चढ़ाई थी ना, वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही दी है। देखो आ गया हूँ, वो पूरा पहाड़ी इलाका जो था पूरा कवर कर दिया, देखो नीचे दिख रहे हैं घर ही घर, ये पूरा पहाड़ सब ये क्लियर कर दिया है। और ये देखो सब पहाड़ चढ़ गए, अभी थोड़ा सा और आ रहा है, इसे भी कवर कर ही देंगे हंसते खेलते, यही रास्ता भाई। 4 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई, 1 से 1.5 घंटे में कवर कर दी, बेस्ट है भाई। जो है भाई, चढ़े थकान हुई, मुश्किल से 1-2 मिनट बैठे फिर उठ गए, ऐसे 1-2 बार बैठा हूँगा बस, मुश्किल से 2-3-4 बार हार्डली, ये 1-2 मिनट ही, ज़्यादा देर नहीं। लेकिन गाइस गर्व है तुम्हारे भाई को, 4 किलोमीटर की चढ़ाई 1 से 1.5 घंटे में कवर कर दी, खड़ी चढ़ाई एकदम, देख रहे हो ना ये पहाड़ और सूरज देखो कैसे दिख रहा है, और ये पूरे घर। गाइस फाइनली पहाड़ की चोटी पे चढ़ी गए, इस साइड देखो बिल्कुल पहाड़ी पहाड़, और इस साइड देखो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है इधर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ये पहाड़ की चोटी पे एकदम, जय भोले की हर हर महादेव, जय भोले की। और पहाड़ पे चढ़ने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ मंदिर है, इस पहाड़ से चढ़ के इस पहाड़ पे उतरना और वहाँ मंदिर है, और एक मंदिर उधर है, दोनों मंदिर के दर्शन लेते हैं। चारों तरफ देखो पानी पानी है गाइस, और पहाड़ पहाड़ हैं इधर तो। गाइस फाइनली ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन अपने को होने वाले हैं। गाइस देखो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ होते हुए, बैक साइड से इस पहाड़ से होते हुए, और ये मंदिर तक आ गए हैं, फाइनली दर्शन करते हैं और भगवान का भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान मुझ पे और आप सभी पे कृपा बनाए रखे। ब्रह्मगिरी देवता गोदावरी गंगा महागंगे नमो गंगे वल्लभे वहत्वा महादेवी गोदावरी नमास्तुते। जो छोटा सा पेड़ गिरा था वहाँ थी, ऐसा ही फिर वो पेड़ से जड़ से ये गंगा जी निकलती है, हे कुंड में निकलती है। तुम यहाँ कभी आओ, गर्मी में आओ, ठंडी में आओ, बारिश में आओ, जो गंगा की जो बाल रूपी धारा निकलता है तो हमेशा दिखाना पड़ता है। यहाँ से गौतम ऋषि को स्थान हुआ पाते धोने के बाद, यहाँ पे गंगा गौतम लुप्त होने के बाद वो मंदिर पे नीचे गौमुख है, ये गौमुख में गंगा जाती है। गाइस ब्रह्मगिरी मंदिर से होकर आ गया वो उधर ब्रह्मगिरी मंदिर, और इधर ये जटायु मंदिर है, आगे आपको दिख रहा होगा ऊंची चोटी पे जाइए, ये जटायु मंदिर है जहाँ शिव जी ने अपनी जटाएं जो है, शिव जी की जटाएं जो है धरती पे लगी थी, वो जटायु मंदिर है। तो बस इसे कवर करने के बाद देन वहाँ से होते हुए फिर चलेंगे अपने
रूम तो थक चुके हैं, रेस्ट करेंगे आज, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। शिव जटा मंदिर गाइस, फाइनली जटा मंदिर पे भी आ गए हैं, अभी दर्शन करते हैं जटा मंदिर के। ये जटा मंदिर जहाँ शिव जी की जटा गिरी थी, और ये है सबसे ऊंची चोटी पहाड़। अभी हमें इस पहाड़ से ये पहाड़ क्रॉस करते हैं, उस साइड जाना है त्र्यंबकेश्वर। क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है यार, ये नज़ारा देखो यार, नदी है उधर, सन व्यू, पहाड़, पीस, हवा, महादेव की जगह, महादेव की नगरी, हर हर महादेव, जय भोले की। गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को एंड क्या करते हैं, अभी बस आ गए, दर्शन करके आ गया हूँ। ये पहाड़ था बिल्कुल, बस यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पे ख़त्म। भगवान के दर्शन किए, भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे, और जो ये ब्लॉग देख रहे हैं गाइस उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करे भगवान। कितनी देर में कर दिया, 3 बजे से किया था चढ़ना स्टार्ट, 3 से अभी 6:40 हो रहे हैं। चढ़ के 4 किलोमीटर और उस साइड जाके कवर करके 2 मंदिर का दर्शन लेने के बाद देन उतर भी गए हैं। गाइस फाइनली सीढ़ियों का एंड हो चुका है, कम से कम 1500 से 2000 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, और फाइनली ये लास्ट सीढ़ी का स्टेप है, सीढ़ियों का स्टेप ख़त्म हुआ। गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल खाना खाने के लिए बैठा हूँ, ठीक सामने मंदिर है त्र्यंबकेश्वर। हाँ तो गाइस फिर डिनर अपना आ गया है, जल्दी से डिनर कर लेते हैं, और थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, कल 11:00 का जगा हुआ हूँ और कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल। फिर दर्शन के लिए 3-4 घंटे लाइन में लगा, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत गया। डिनर ये है अपना, इसमें क्या आलू की सब्जी, दाल, और ये छोले, ये दही, राइस और 3 चपाती। तो फटाफट डिनर कर लेते हैं, थोड़ी बहुत देर में मिलते हैं आपसे गाइस। खाना पीना तो अपना हो गया, रिफ्रेशमेंट में तो मालूम ही भाई इंडियन से सौंफ चलती है, खाने के बाद रिफ्रेशमेंट में सौंफ खा ली, पानी की बॉटल ले ली भाई रात में लगेगी तो, और बस अभी रूम पे रेस्ट करता हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ, टायर्ड फील कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस रूम पर आ चुका हूँ मैं, आपने देखा होगा आज की जर्नी अपनी बॉम्बे से शुरू हुई थी, बॉम्बे से नासिक, नासिक से त्र्यंबकेश्वर आ गए, त्र्यंबकेश्वर आए बहुत अच्छा लगा, पहली बार दर्शन किए। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, आई होप गाइस आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।